मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण बातें जो हमारा आईवीएफ का सक्सेस बढ़ाने में मददगार होगी। हमें तो मालूम है आईवीएफ का सक्सेस हमारी अंडे की गुणवत्ता, स्पर्म की क्वालिटी और हमारे एम्ब्रियोज की ग्रेड और इसके साथ ही यूट्रस की रिसेप्टिविटी, इस पे निर्भर करता है। लेकिन कोई ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है जो हमारा आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ाने में मददगार होती है। पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भ्रूण को अंदर छोड़ने के बाद जो दवाइयाँ दी जाती है वो दवाइयाँ आपको सही टाइम पे सही मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देते हैं जो हमें प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो इम्प्लांटेशन कम होने के चांसेस होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा डाइट यानी कि आहार। हमारे मन में काफ़ी प्रश्न रहते हैं कि कुछ ठंडा रहता है, कुछ गर्म रहता है, कुछ ऐसी चीज़ें खाने से अबॉर्शन हो जाता है, लेकिन खाने पीने में ऐसे एक भी चीज़ नहीं है जिससे हमारा अबॉर्शन हो जाए। लेकिन हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम अभी प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं और प्रोजेस्टेरोन की वजह से हमारे शरीर के आंत की मोटिलिटी जो रहती है, हालचाल कम हो जाती है, इसलिए पेट में दर्द होना, कब्ज की शिकायत होना, पेट में गैस फूल जाना, भूख नहीं लगना, ये सारी लक्षणें दिखाई देती है। इसलिए आपको खान पे ध्यान देना है कि आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़े इंटरवल से खाना है, स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट। और आपको ये भी याद रखना है कि आपको हरी पत्तेदार सब्जी बहुत खानी है, पानी बहुत मात्रा में लेना है, सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो। आपके मन में प्रश्न रहता है क्या पपीता, पाइनएप्पल हम खा सकते हैं क्या, लेकिन इन फलों का सेवन करने के बाद भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के सक्सेस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हमारे घर के बुजुर्ग लोगों का मन संभालने के लिए आप कुछ चीज़ें टाल सकते हो। आपको सिर्फ एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स, डार्क चॉकलेट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स और इसके साथ ही चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत ही कम करना है, या ना करें तो अच्छा हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बेड रेस्ट। आपको इस पीरियड में बहुत सारी शंकाएं रहती है, कम उठे कैसे, बैठे कैसे, लेटे कैसे, क्या हम ऑफिस जा सकते हैं। इस सब का उत्तर है कि आप सब कुछ जो आपका पूर्ववत रूटीन है वो सारा शुरू कर सकते हो। आपको जैसे सोना है वैसे सो सकते हो, आपको जैसे बैठना है वैसे बैठ सकते हो, आप घर के सारे काम कर सकते हो, आप ऑफिस के काम कर सकते हो, आप ऑफिस के लिए ट्रैवल भी कर सकते हो। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जब बेड रेस्ट लेते हैं, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेते हैं, उनके इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बेड रेस्ट लेते हैं तब दिमाग में एक ही सोच रहती है कि मेरा ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, सक्सेस होगा या नहीं होगा। ये तनाव में हम रहते हैं और उसी बारे में हम सोचते रहते हैं, इसका इफ़ेक्ट हमारे यूट्रस पे होता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाती है जिससे हमारे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं और इम्प्लांटेशन के चांसेस घट जाते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात, इस दौरान हमें संक्रमण से बचना है। जिनको सर्दी खांसी होती है उनसे आप थोड़ा अलग रहिए, आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी, उसके साथ ही साथ पेट का बिगड़ जाना। इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो खाते हो वो घर का ताज़ा फ्रेश बनाया हुआ खाना खाना है, आपको अच्छा क्लीन पानी पीना है और संक्रमण से दूर रहना है। और ये आखिरी पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको पॉजिटिव रहना है। हमें सबको मालूम है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेट लगभग 35-40% रहता है और आपको इस पीरियड में
बहुत ही स्ट्रेस रहता है, आप बार बार यही सोचते रहते हो कि सक्सेस होगा या नहीं होगा, और इस वजह से आप बहुत तनाव में रहते हो। लेकिन इसका एडवर्स इफ़ेक्ट आपकी प्रेगनेंसी पे होता है और आपके इम्प्लांटेशन पे होता है। इसीलिए आपको इस पीरियड में एकदम हैप्पी रहना है, अपनी कुछ हॉबीज़ रहेगी, वो हॉबीज़ में आपको दिन बिताना है, आपको जैसे मैंने बताया वो सारे रूटीन काम करने हैं ताकि आपका टेंशन डाइवर्ट हो जाए। आपको रीडिंग करना है, कुछ फिल्म देखनी है, सॉन्ग्स सुनने हैं, तो ये सारा करके आप सिर्फ वो सोच से दूर रहिए। और आपको इस पीरियड में ये भी सोचना है कि इस अटेम्प्ट में आपको सक्सेस नहीं मिला तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और जब तक हम कंसीव नहीं होते, प्रेग्नेंट नहीं होते, तब तक हमें ट्रीटमेंट छोड़नी नहीं है। तो इस वीडियो में हमने जान लिया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सक्सेस मिलने के लिए कौन सी 5 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारी ये प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी गायनिक वाली वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।